Now, we'll study the concept of minors and cofactors. We'll study the concept of minors and cofactors. Let's say we have a matrix A which is 1, minus 1, 1, 2, 3, 0, 1, 4, 9. Now, what is minor? First of all, minor is represented by M, capital M, I, J. ऑब्वियसली आई जे लिखा है, इसका मतलब एलिमेंट से कुछ रिलेटेड है ये. एम आई जे मीन्स हम हर एलिमेंट का माइनर निकालेंगे. तो अगर हमारा 3x3 का मैट्रिक्स है तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स होंगे? 9 एलिमेंट्स होंगे. तो हम हर एलिमेंट का माइनर निकालेंगे. फॉर एग्जाम्पल M11 इज वॉट? माइनर ऑफ एलिमेंट A11. सिमिलरली लेट्स से M32 इज माइनर ऑफ एलिमेंट A32 एंड सो ऑन. जैसे अगर हम लिखे M13, मतलब ये क्या हो गया? ये माइनर किसका है? ऑफ एलिमेंट A13. तो जो जितने एलिमेंट्स होंगे हमारे डिटरमिनेंट में, हम उन सब का माइनर निकालेंगे. अब माइनर होता क्या है? व्हाट इज अ माइनर? तो इट इज द डिटर्मिनेंट, इट इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग द आयथ रो एंड जेथ कॉलम of the original determinant, and this will be equal to what? Mij. Let's take an example. For example, we have the matrix A equals to 1, minus 1, 0, 3, 2, 4, 6, 1, 9. Now, we need to find out the minor of, let's say, we have to find the minor of all the elements. So, we start with the minor of the first element, A11. Therefore, M11 is the minor of element A11. Now, what do we do is, according to the definition, what was the definition? Minor is the determinant obtained by removing the ith row and the jth column. Now in this case M11 का मतलब हमें कौन सी रो कौन सी कॉलम हटानी पड़ेगी? M11 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हटा के जो डिटर्मिनेंट बचे वो M11 होगा. तो देयरफॉर ध्यान दीजिए, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटाने के बाद जो डिटर्मिनेंट बचा वो M11 है. दैट इज ये डिटर्मिनेंट क्या होगा? 4, 1, 6, 9. नाउ सिमिलरली M12 क्या होगा? कौन सी रो हटाए कौन सी कॉलम हटानी पड़ेगी? फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम. दैट इज वील हैव टू रिमूव द फर्स्ट रो एंड द सेकेंड कॉलम. तो मैं फिर से लिख दे रहा हूं, 1, 3, 2 माइनस 1, 4, 6, 0, 1, 9. तो फर्स्ट रो हटाई हमने और सेकेंड कॉलम हटाया, तो क्या डिटर्मिनेंट बचा? 3, 2, 1, 9. सिमिलरली लेट्स से वी वांट टू राइट M13. M13 क्या होगा? फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हटाएंगे. दैट इज लेट्स से वी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स हटा दीजिए, तो क्या डिटर्मिनेंट बचा आपका? ये डिटर्मिनेंट बचा आपका, तो ये क्या हो जाएगा? 3, 2, 4 एंड 6. सिमिलरली लेट्स से वी वांट टू फाइंड आउट M33, यानी क्या मतलब हुआ? थर्ड रो और थर्ड कॉलम हटानी है हमको. लेट्स से थर्ड रो आपकी कौन सी है? ये है
और थर्ड कॉलम ये है, तो आपका कौन सा डिटरमिनेंट बचा? तो वील राइट 1 माइनस 1 3 एंड 4. एक और ले लेते हैं, लेट से वी वॉन्ट टू राइट M22 मतलब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम हमें डिलीट करना है. तो लेट से सेकेंड रो ये वाली डिलीट की और सेकेंड कॉलम ये डिलीट की, तो क्या एलिमेंट्स बचे हमारे? 1, 0, 2, 9, दैट इज 1, 0, 2, 9. इस तरीके से हम माइनर्स निकालते हैं, हम सारे एलिमेंट्स के माइनर्स निकाल सकते हैं. पर इसने एक वर्ड यूज किया है, माइनर इज अ डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट क्या होता है? एक वैल्यू देता है. तो ऑब्वियसली ये हमारा को क्या देगा? ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये तो लिखने का तरीका, अभी हमें वैल्यू क्या देगा? अब हम पढ़ चुके हैं कि 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते, वैल्यू कैसे देते. प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कीजिए माइनस नॉन प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करिए, तो क्या होगा इसका वैल्यू? 9 4 4 9 36 -1 6, तो आंसर क्या हो गया? 30. यानी M11 की वैल्यू क्या है? 30. सिमिलरली M12 की वैल्यू क्या है? 9 3 -1 2, दैट इज 16. सिमिलरली हम इसकी भी निकाल सकते हैं वैल्यू. M13 की क्या होगी? 6 3 -4 2, दैट इज 18 -8 10. सिमिलरली M33 की वैल्यू क्या होगी? 1 4 -1 3, दैट इज 4 3 = 7. ऐसे हम इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 9 -2 0, दैट इज 9. तो माइनर का कॉन्सेप्ट क्या है? माइनर हर एलिमेंट का निकलेगा. एंड माइनर कैसे निकलता है? जिस एलिमेंट का माइनर आप निकाल रहे हैं उसका जो रो नंबर है और कॉलम नंबर, वो रो और कॉलम के एलिमेंट्स डिलीट करके जो एलिमेंट्स बचे हैं उससे डिटर्मिनेंट बनाइए और उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालिए. दिस इज हाउ यू फाइंड आउट द माइनर ऑफ अ एलिमेंट. नाउ वील टॉक ऑफ कोफैक्टर्स. माइनर्स हमने पढ़ ली, अब हम बात करेंगे कोफैक्टर्स की. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे. व्हाट इज कोफैक्टर? फर्स्ट ऑफ ऑल, कोफैक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय सीआईजे. माइनर को रिप्रेजेंट किया था एमआईजे से, कोफैक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे सीआईजे से. एंड ऑब्वियसली आईजे लिख रहे हैं, इसका मतलब एलिमेंट से रिलेटेड है. तो सीआईजे मींस हर एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकाल सकते हैं. कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? सीआईजे इक्वल्स टू -1 raised to power i प्लस जे इंटू एम आई जे. एम आई जे हमने हर एलिमेंट का निकालना सीख रखा है, बस हमको अब क्या करना है, एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाती है -1 raised to power i plus j, दैट इज अब साइन का भी रोल आ गया है. फॉर एग्जाम्पल हमारा एक मैट्रिक्स है -1 0 3 2 1 9 6 1 4. सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें कि एम आई जे हम निकालना चाह रहे हैं, दैट इज माइनस की बात करें, तो लेट से हम M22 निकालना चाह रहे हैं. तो M22 क्या होगा? सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम हमें एलिमिनेट करना है, डिलीट करना है. लेट से हमने ये करा, तो हमारी सेकेंड रो ये है और सेकेंड कॉलम ये है, ये डिलीट करा तो क्या डिटर्मिनेंट बना हमारा? -1 3 6 4. इसकी वैल्यू कैसे निकलती थी? -1 4 -6 3 विच इज -4 -18, दैट इज -22. अब C22 कैसे निकालेंगे? को फैक्टर ऑफ द सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एलिमेंट, दैट इज इसकी वैल्यू क्या होगी? -1 raised to power i plus j. आई इसका क्या है? 2. जे क्या है? 2, यानी 2 plus 2 इंटू एम आई जे, दैट इज M22. ये वैल्यू -1 raised to power 4 इज अ इवन नंबर, तो -1 raised to power इवन नंबर तो पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज +1 into M22, दैट इज वैल्यू क्या हो जाएगी C22 की? -22.
For example, we need to find out, let's say C13. Now C13 would be minus 1, 1 plus 3, M13, minus 1 raised to power 4, M13, but this is positive because minus 1 raised to power even number is plus 1, therefore M13 ही हो जाएगा ये. M13 हम कैसे निकालेंगे? M13 will be equal to फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हटाएंगे हम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो क्या बचेंगे एलिमेंट्स? 2, 6, 1, 1. देयरफॉर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 × 1 − 1 × 6, दैट इज 2 − 6 = −4. तो C13 क्या हो जाएगा? C13 वॉज इक्वल टू M13, दैट इज −4. फॉर एग्जाम्पल एक और लेते हैं केस. अगर हमें लेट से वैल्यू निकालनी है C23 की, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? −1 raised to power 2 + 3 M23. इन दिस केस −1 raised to power 5 हो जाएगा M23, बट ये तो ऑड नंबर है, ये हमारा ऑड नंबर है. −1 raised to power ऑड नंबर इज −1, देयरफॉर इट इज −1 × M23. That is −M23. तो हमें M23 की बस वैल्यू निकालनी है. M23 will be what? We'll have to eliminate the second row and the third column. तो second row, third column eliminate करिए. तो second row हमारा क्या है? ये है और third column ये है. तो क्या elements बचे हमारे? −1, 0, 6 and 1. इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? −1 × 1 − 6 × 0, विच इज −1. देयरफॉर C23 की वैल्यू क्या हो गई? माइनस ऑफ व्हाट M23 इज. M23 की वैल्यू क्या है? −1. तो देयरफॉर C23 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, दैट इज C23. तो इसमें एक ही चीज देखनी है, अगर −1 raised to power ऑड है तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस से आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो एम आई जे की वैल्यू है वो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी. और अगर −1 raised to power इवन है तो कोफैक्टर में क्या होगा? कोई चेंज नहीं होगा, जो एम आई जे होगा वही सी आई जे होगा. तो सी आई जे विल बी equal to −1 times MIJ if I plus J is odd, and CIJ will be equal to MIJ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, if I plus J is odd and if I plus J is even.